चीन के बगल में स्थित एक छोटा सा देश ताइवान आज पूरी दुनिया को सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई कर रहा है। चिप्स की बढ़ती डिमांड के चलते अब अमेरिका, जापान जैसे देश भी चिप्स प्लांट का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। अब इस रेस में भारत भी शामिल हो चुका है। भारत में गुजरात और असम में सेमीकंडक्टर चिप्स के प्लांट तैयार हो रहे हैं। गुजरात में दो प्लांट बनने हैं, एक साड़ंग में और दूसरा धोलेवा में। तीसरा प्लांट असम में बनाया जाएगा। धोलेवा का प्लांट तो ताइवान की मदद से ही तैयार किया जा रहा है। इन प्लांट्स के तैयार हो जाने के बाद देश के इंजीनियर्स को भारत से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं इस समय ताइवान की चिप इंडस्ट्री में इंजीनियर्स की भारी कमी है और ताइवान की इस जरूरत को भारत के इंजीनियर्स पूरा कर रहे हैं। अहमदाबाद से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर धोलेवा में SIR प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यहाँ इतनी बड़ी जगह है कि अहमदाबाद से भी बड़ा शहर बसने वाला है। यहाँ सिंगापुर जैसा अत्याधुनिक शहर बसाया जा रहा है। जैसे ताइवान का सिंचू वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बन गया है, वैसे ही धोलेवा भी गुजरात का सेमीकंडक्टर हब बनेगा। सिर्फ सेमीकंडक्टर ही नहीं, कई व्यवसाय यहाँ आएंगे। इसमें डिफेंस, एविएशन, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रो और फूड प्रोसेसिंग, हाईटेक, इंजीनियरिंग जैसे बिजनेस शामिल होंगे। सड़कों का काम पूरा हो चुका है और कई छोटे प्लांट भी शुरू हो चुके हैं।